पास जाता तू? अरे मैं इनको कंफ्यूज करने के लिए मरने की एक्टिंग कर रहा था। ओके देख कैसे मर रहे हैं तेरी एक्टिंग देख के। 2024 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और अजय देवगन के मैदान, इन दोनों फिल्मों को सिनेमा घरों में इस वक्त चल रहा है दूसरा हफ्ता। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे मैदान और बड़े मियां छोटे मियां के 10 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इन दोनों फिल्मों ने दुनिया भर से कितने कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि बड़े मियां छोटे मियां और मैदान में आपको कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट लगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें मास महाराजा अजय देवगन के स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मैदान के बारे में, अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी मैदान जिसका बजट था 150 करोड़ रुपए, 11 अप्रैल यानी कि ईद के दिन पर रिलीज हुई मैदान फिल्म को सिनेमा घरों में आज हो चुके हैं 10 दिन। अब दोस्तों आपको बता दें कि 2024 की शुरुआत में अजय देवगन ऑलरेडी शैतान जैसी एक बड़ी सुपरहिट फिल्म दे चुके थे और यहां पर मैदान को भी पब्लिक की तरफ से जो रिव्यूज मिले थे वो पूरी तरह से पॉजिटिव थे, जिसके चलते लग रहा था कि अजय देवगन शैतान के बाद मैदान भी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सक्सेस फिल्म देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मैदान एक बढ़िया फिल्म है, उसके बावजूद भी इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो पूरी तरह से निराश करने वाले रहे। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त चल रहा है दूसरा हफ्ता और अगर बात करें इस फिल्म के अब तक के यानी कि 10 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, अजय देवगन की मैदान फिल्म ने शुरुआती 8 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 29 करोड़ 45 लाख रुपए का किया था, तो 9वें दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 1 करोड़ 35 लाख रुपए रहा। हालांकि दोस्तों आज सैटरडे यानी कि हाफ हॉलीडे होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में कल के मुकाबले एक हल्की सी ग्रोथ आज देखने को मिली है और मैदान फिल्म अपने 10वें दिन 1 करोड़ 80 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों मैदान फिल्म का शुरुआती 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 32 करोड़ 60 लाख रुपए का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 38 करोड़ 75 लाख रुपए। बता दो दोस्तों 10 दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 46 करोड़ 28 लाख रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों फिल्म को सिनेमाघरों में 10 दिन हो गए लेकिन ये फिल्म अभी तक दुनिया भर में 50 करोड़ की भी कमाई नहीं कर पाई। फिर से बता दो दोस्तों मैदान फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए का है। वही अब अगर बात करें 11 अप्रैल यानी कि ईद के दिन ही रिलीज हुई एक और बॉलीवुड की बड़ी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां जिस फिल्म में हमें पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी देखने को मिली थी। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म का बजट था 300 करोड़ रुपए और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा यानी कि 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था। दोस्तों यहां पर मैदान के कंपेरिजन में बड़े मियां छोटे मियां के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग दुगने हो चुके हैं लेकिन फिर भी फिल्म का बजट भी मैदान से ज्यादा है। उस हिसाब से देखे जाए तो बड़े मियां छोटे मियां जिस फिल्म के रिलीज होने से पहले सबको उम्मीदें थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी लेकिन इस फिल्म के कलेक्शन ने भी कहीं ना कहीं सबको निराश किया है। जी हां दोस्तों अगर बात करें बड़े मियां छोटे मियां के 10 दिनों के सभी भाषाओं के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां ने शुरुआती 8 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 52 करोड़ 34 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों इस फिल्म का 9th डे का इंडिया नेट कलेक्शन 1 करोड़ 76 लाख रुपए का रहा। हालांकि दोस्तों आज सैटरडे होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में भी कल के मुकाबले एक अच्छी खासी ग्रोथ आज देखने को मिली है और यह फिल्म अपने 10वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां का शुरुआती 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 56 करोड़ 20 लाख रुपए का हो गया है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 66 करोड़ 85 लाख रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म का 10 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 116 करोड़ 9 लाख रुपए का हुआ है। जी हां दोस्तों फिल्म 10 दिनों में दुनिया भर से 116 करोड़ की कमाई कर चुकी है। अब दोस्तों कल है संडे तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल इस फिल्म के कलेक्शन में एक और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक बॉलीवुड की कोई नई फिल्म में नहीं आएगी तो बड़े मियां और छोटे मियां आने वाले दिनों में और बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाती है। बाकी दोस्तों आपने अगर बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दोनों ही फिल्में देखी तो इसमें से आपको बेस्ट फिल्म कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद।
वंदे मातरम।